नमस्कार एंड टाइम्स के साथ मैं हूं निधि सिंह। नामली में गड्ढे के पीछे रहने वाली एक 18 वर्षीय युवती ने जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली। खबर के मुताबिक शनिवार शाम माधुरी पिता शंभूलाल ने सल्फास खा लिया था। युवती की तबीयत बिगड़ने पर उसे रात करीब 8 बजे परिजन जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रविवार को मृतिका का पोस्टमार्टम किया गया। परिजनों ने गांव के एक युवक पर परेशान करने का आरोप लगाया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कर्मी ने बताया, अस्पताल चौकी रतलाम सीएस से सूचना प्राप्त हुई थी कि नामली की कोई महिला दलित परिवार की, उसका नाम है माधुरी, पिता शंभूलाल, जाति दलित है, 18 वर्ष की, कोई अरे ये घूम तो रहे हैं दरबार उसके लिए दवा खाते हैं, जिसका नाम है ध्यान तो क्या। इस सूचना पर से मैं थाना नामली से आया हूँ। वर्ग क्रमांक 0 नामली की एक युवती ने जहर खाकर जान दे दी। युवती द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट पुलिस को मिला। सुसाइड नोट में पड़ोसी युवक और उसके साथियों द्वारा प्रताड़ित करने की बात कही गई। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। मामले की जांच के बाद पुलिस कुछ भी खुलासा नहीं कर रही है। घटना कल शाम की है। नामली के पैलेस रोड क्षेत्र के निवासी एक युवती को जहरीली दवा खाने के कारण इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस नामली ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जांच में पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जो युवती द्वारा लिखा गया बताया जाता है। इस सुसाइड नोट में पड़ोसी युवक और उसके साथियों द्वारा छेड़छाड़ कर प्रताड़ित करने की बात कही गई है। पुलिस ने इस आधार पर पड़ोसी युवक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सुसाइड नोट की जांच करने की भी बात कह रही है। चरित्र शंका पर देर रात पति ने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। रात करीब 3 बजे पत्नी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर के मुताबिक धबई जी के पास में किराए के मकान में अनीश कुरैशी अपनी 35 वर्षीय पत्नी नाजमीन और बच्चों के साथ रहता है। पारिवारिक विवाद होने पर गुस्साए पति ने अपनी पत्नी का गला दबा दिया। पुलिस ने आरोपी पति अनीश कुरैशी को पकड़कर थाने ले गई, जहां उसे पूछताछ की जा रही है। मृतिका के परिजनों ने इस मामले में मीडिया को बताया, हमारे बर्सात लगती है, उसके आदमी ने लड़ी झगड़े होते तो उसके आदमी ने गला दबा के मार दिया। कैसे पता लगा आपको? हमारे खबर मिली ने उन्हें खुद कबूला के मैंने गला दबा के मार दी। मामले की जानकारी देते हुए एन टाइम्स को पुलिस कर्मी ने बताया, धवाई जी का वाहन चार चक्की चोराए किराए के मकान में नाजमीन पति अनीस कुरैशी रह रहे थे। चरित्र शंका को लेकर उसके पति अनीस ने उसका गला दबा कर उसकी हत्या कर दी है, जिस पर थाना पर मर कायम कर जांच की जा रही है। जांच पर से अपराध 302 का कायम किया जा रहा है। अभी आरोपी फरार है के आरोपी को कस्टडी में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है कि इसका क्या कारण था। सही अनीस, उस पति का नाम अनीस है। अभी उसकी जांच चल रही है, गिरफ्तारी करना है अभी उसका नाम पता पूरा, लेकिन उसको थाना पे बिठा लिया है। दशहरे के मौके पर शरद पूर्णिमा पर्व की सुबह शहर में निकले राष्ट्र स्वयं सेवक संघ RSS के निकले पथ संचलन ने एक बार फिर इतिहास में रतलाम का नाम दर्ज करवा दिया है। रविवार की सुबह शहर के दो हिस्सों से निकले पथ संचलन में शरीक 1500 से अधिक स्वयं सेवकों के इस पथ संचलन का सुबह 9:35 पर शहर सराय में समागम हुआ। समागम होते ही भारत माता की जय के उद्घोष फिजा में गूंजने लगे। लोकेंद्र टोकिस से पथ संचलन गुजरने के बाद स्वागत में की गई पुष्प वर्षा के फूल सड़क से स्वयं सेवकों ने हटाए।
विजयादशमी के उपलक्ष्य पर निकलने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन रविवार को शहर में निकला। इस बार पथ संचलन की खासियत यह रही कि शहर में दो स्थानों से पथ संचलन निकला और शहर सराय में दोनों पथ संचलन का अद्भुत संगम हुआ। इस नज़ारे को देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर काफी लोग जमा थे। विजयादशमी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परंपरागत पथ संचलन रविवार प्रातः निकाला गया। इस बार रतलाम नगर की कुल 41 बस्तियों में से अधिकतर बस्तियों में पूर्वाभ्यास संचलन निकाला जा चुका है। इस वर्ष रतलाम नगर में दो स्थानों से पथ संचलन निकाला गया। एक पथ संचलन जैन स्कूल बाजना बस स्टैंड से निकला तो दूसरा दशहरा मैदान 80 फीट रोड से निकला। दोनों प्रमुख स्थानों से घोष की मधुर ध्वनि पर कदम ताल करते हुए पूर्ण गणवेश में स्वयं सेवकों का संचलन निकला। पथ संचलन में स्वयं सेवक अनुशासनबद्ध होकर कदम ताल करते हुए शहर में प्रमुख मार्गों से निकले। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में पथ संचलन का कई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचलन के पूर्व दोनों स्थानों पर बौद्धिक भी हुआ। शहर सराय में हुआ पथ संचलन का अद्भुत संगम जैन स्कूल और 80 फीट रोड से निकले पथ संचलन का शहर सराय चौराहे पर अद्भुत संगम हुआ। संगम के इस नज़ारे को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर काफी संख्या में नागरिक गण एकत्रित थे। जैसे ही संगम हुआ नागरिकों ने भारत माता की जय का उद्घोष किया। जैन स्कूल से निकला पथ संचलन लखड़पीठा रोड, चांदनी चौक, चौमुखी पुल, गणेश देवरी, रानी जी का मंदिर, शहर सराय पहुंचा और 80 फीट रोड से प्रारंभ पथ संचलन अलकापुरी चौराहा, राम मंदिर चौराहा, चेतक ब्रिज, सिलाना बस स्टैंड, गायत्री टॉकीज रोड, शहर सराय पहुंचा, जहां दोनों पथ संचलन का संगम हुआ। यहां से पथ संचलन लोकेंद्र टॉकीज रोड, जे रोड होते हुए साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुंचा, जहां समापन हुआ। यहां पर कोई जिस प्रकार से अधर्म होता है उस अधर्म को समाप्त करने के लिए, धर्म संस्कृति की स्थापना के लिए, समाज के कल्याण के लिए यह कार्य चलता है और इसलिए अपने क्रांतिकारियों से, अपने पूर्वजों से, महापुरुषों से संदेश लेकर के यह स्वयं की प्रेरणा से अनगिनत लाखों करोड़ों स्वयंसेवक रोज यह अपनी चरे वेती इस प्रकार की भावना लेकर के चलता है। संघ यानी एक दिशा में अनुशासित होकर के, हम सब जानते हैं जिस देश के नागरिक अनुशासित होते, नियमों का पालन करते हैं, देश को अपना समझते हैं, वह देश शक्तिशाली और उन्नत होता है। अहिंसा के प्रथम उपासक भगवान श्री वाल्मीकि जी का प्रकोत्सव रविवार को वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाई गई। सुबह महर्षि वाल्मीकि सनातन धर्म सभा विकास समिति ने सुभाष नगर संतोषी माता मंदिर से चल समारोह निकाला। यह चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ कालिका माता मंदिर पहुंचकर समाप्त हुआ। कालिका माता में प्रसादी भंडारा एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कमल भाटी, पंडित शिवलाल छपरी सहित समाज जन उपस्थित थे।